الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين المبارك ناظرين خير مختم هي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے باقي ذا رشادات تيس مذنسو ناظرين جانتے ہوں گے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کو कुरान शरीफ में इस बात का हुक्म दिया गया हुमि लिल्ला इल्ला क़लीला निस्फेहु अवन कुस्मुहु क़लीला औज़िद अलै वरतिल कुरान अतते रात को क़याम करना नमाज पढ़ना अल्लाह को राजी करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बड़ा एहतमाम फरमाते थे अपने अमल से अपनी गुफ्तार से अपने किरदार से आपने रात को नमाज पढ़ने यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ने क्याम करने की जो फजीलतें बयान फरमाई और करके दिखाई उसकी वजह से ज़ाहिर है कि साहब कराम को बड़ी रगबत हुई एक रात हजरत तैयार फरमाया इसको सही में अलवानी साहब ने और ख़तीब बगदादी ने अपनी तारीफ में नक़ल किया है मान कहते कि रसोल अक्रम सत को जब मस्जिद पहुँचे तोाहिर है कि उस जमाने में मस्जिद में आजकल की तरह से लाइट वगैरह का इंतजाम था नहीं अंधेरा सा रहता था बस ऐसे ही झुटपुटे का सा थोड़ा सा कुछ उजाला सा जिससे आदमी पहचान ले कि यहां कोई चीज रखी हुई है अलैहि वसल्लम जब गए तो आपने देखा कि कोई नमाज पढ़ रहा है तवज्जो फरमाई तो लगा कि कोई खातून है नबी अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया ठीक है नमाज पढ़ ली अब जाओ आराम करो वो भी अल्लाह की बंदी अल्लाह की मोहब्बत में उसको राज़ी करने में इतनी मगन थी जवाब दिया अल्लाह के रसूल मैं अपने अंदर नशात पाती हूँ यानी थकान नहीं है मुझे आराम की हाजत तो ज़रूरत नहीं है मुझे नमाज पढ़ने में मुझे लुत्फ आ रहा है रसूल अक्रम सल्ह अपनी उम्मत पर बड़े मेहरबान बड़े शफीक बड़ा ख्याल रखने वाले बहुत सारे उमूर में आपने लोगों के जौक शौक़ को देख कर और ये सोचकर आज ये जौक शौक है उम्र के ढलने के साथ साथ बाकी नहीं रहेगा क्योंकि उस वक्त जिसम में उतनी ताकत नहीं रहेगी और ये जिस वक्त का वाक़ है आप जानते हैं ये पचास साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है उस वक्त का वाक़ मदीने का हज़रत नसरा है इसकी आपके खादमी खास थे खातून का ये जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया इन के लस्त मिसली इन नुमारी नशात और तुम्हारी दिलचस्पी ये सब कुछ बजा है लेकिन तुम तो मेरी तरह नहीं हो तुमको अल्लाह रबुल्जत ने मेरी तरह नहीं बनाया अल्लाह रबुल्जत ने मेरी आंखों की ठंडक मेरा आराम मेरी राहत मेरा सुकून मेरा चैन मेरी नमाज में रखा है जाहिर उमत में कोई दूसरा ऐसा नहीं है लिहाजा इसरार नहीं घर जाओ आराम करो इससे क्या सबक हमें मिलता है इससे सबक मिलता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सुकून और आंखों की ठंडक मिलती थी आराम करने सोने से ज्यादा मजा आपको नमाज पढ़ने में आता था और कोई उम्मत का आदमी आपकी तरह इस चीज में नहीं है दूसरी बात उम्मत पर शफकत के लिए आप जायज उमूर से भी रोक दिया करते थे कहीं उनके लिए ये बाद में मशक्क़त का सबब ना बन जाए एक और बात भी कि मसाजिद में रसूल अलैहि वसल्लम के ज़माने में फातिन भी नमाज पढ़ने आती थी न सिर्फ नमाज बल्कि रात की नमाज भी अंधेरे में अदा फरमाती कितना प्यारा ज़माना था कितना अच्छा ज़माना था कितना चैन सुकून अमन राहत वाला ज़माना था अल्लाह हमें और आपको निकल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए और वो क़ शौक अता फ़रमा दे जो रसूल अक्रम सम के ज़माने के लोगों के अंदर था दीन के लिए नमाज़ के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए और मस्जिदों को आबाद करने के लिए असलकम व्लि वबरकू माशाला दीनी रहनुमाई और दुनियावी मालूमत के लिए हमारा आई प्लस टीवी सेटेलाइट पर वापस आ गया है देखने के लिए केबल ऑपरेटर को अभी कॉल करें मजीद मालूम के लिए कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट, डबल एट टू सिक्स पर देखते रहिए आई प्लस टीवी बेहतर जिंदगी के लिए